बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं बना रही हूँ बॉर्ची स्टाइल बीफ बिरयानी, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने लिए हैं बीफ आधा किलो, सौंफ लिया है, साबुत धनिए, सफ़ेद ज़ीरा, नमक सबे के 1 टेबल स्पून, जायफल जबत्री ली है और कुछ साबुत गर्म मसाला लिया है, उसमें लौंगे ली हैं और काली मिर्चें, दालचीनी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में मैंने डाला है 1 लीटर पानी, मतलब 4 कप पानी, 2 गिलास भर के पानी लिया है मैंने इसमें। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना नमक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं इसमें सौंफ, 1/2 चम्मच जब मैं डाल रही हूँ इसमें साबुत धनिए, सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने और ये जायफल जवतरी, साबुत ही टुकड़ा डाल दिया है इसके अंदर, दालचीनी का टुकड़ा डाला है और कुछ काली मिर्ची और लौंग डाली हैं। इसको एक थोड़ा सा जोश आ जाएगा, मतलब पानी थोड़ा सा बॉयल हल्का सा गर्म होगा तो मैं इसमें बीफ ऐड कर दूँगी। इसको मुझे 1/2 घंटा पकाना है, 30 मिनट में गोश्त गल भी जाएगा और मसाले जो हैं सब गोश्त के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसका सारा मसाले का पानी। देखें 30 मिनट हो गए हैं, बिरयानी की जो यखनी है वो बनकर तैयार हो गई है बनके। बोटियों को मैं इस तरह से निकाल लूँगी झाड़ के ताकि कुछ भी इसमें मसाला रहे नहीं, सारी बोटियों को अलग कर लूँगी और जो पानी है इसमें से सारा जितना भी गरम मसाला जो डाला था वो सब मैंने छान लिया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून उसी पानी यखनी के पानी के अंदर सिरका, और ये चावल है सेला मेरे पास 1/2 किलो से थोड़े ज़्यादा चावल हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, सिरका और नमक डाला है मैंने उसी यखनी के पानी में जिसमें मैंने बीफ पकाया था, उसी पानी के अंदर मैं चावल बॉयल कर रही हूँ। बावर्ची स्टाइल बिरयानी बना रही हूँ मैं, इसको हम पकाएंगे गलने तक। 1-2 टमाटर लिए हैं मैंने, उनको रफली काट लिया है, 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, कुछ लहसुन की जवे, 3 से 4 हरी मिर्चें और 2 प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है काट कर, और ये लेमन जूस लिया है 1 टेबल स्पून भर के जितना। एक ब्लेंडर के अंदर मैं डालूँगी पीसी हुई लाल हुई प्याज, साबुत हरी मिर्चें, लहसुन की जवे, 1 अंठी छोटी, 1 इंच के टुकड़े जितना अदरक, और ये 2 टमाटर लिए हैं, इसको भी मैं ब्लेंडर में डालूंगी और इन सारे मसालों को मैं बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूंगी। एक कढ़ाई में मैंने आधी पहले ऑयल डाला है, ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म होने लगेगा तो जो ब्लेंडर में मैंने मसाला डाला था वो सब पीस के कुछ इस तरह से पेस्ट बन के आ गया है। इस मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसमें ड्राई मसाले ऐड करूँगी। तो इसमें देखें, ये मैंने नमक डाल रही हूँ मैं 1/2 टेबल स्पून, मुझे चावलों में और बीफ में भी नमक है, 1/2 टेबल स्पून किसी भी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून, और इन सबको अच्छी तरह से भून रही हूँ। और ये कुछ मेरे पास आलू बुखारे हैं, उनको मैंने भिगो लिया था, 4 से 6 आलू बुखारे मैंने इसमें डाले हैं और हरा धनिया और पुदीना इसमें डाल के अच्छी तरह से मसाले को भूनूंगी। थोड़ा सा मसाला जो हमारा भुनने लगेगा तो इसमें मैं डाल रही हूँ शान का बिरयानी मसाला सादा वाला 1 टेबल स्पून भर के, इससे खुशबू अच्छी आ जाएगी। और ये बीफ जो मैंने यखनी बनाई थी वो भी इसी के अंदर शामिल करके अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी और इसको दम देके 7 से 8 मिनट तक पकाया है। तो देखें इस तरह से ऑयल इसका हल्का सा ऊपर आ गया है, ज़्यादा ऑयली भी हैवी नहीं है, मसाला अच्छी तरह से पक गया है। मसाला पकने की निशानी होती है हल्का सा ऑयल ऊपर से झांकने लगे सालन के। अब इसमें मैं जितना बाकी बचा हुआ पुदीना हरा धनिया था वो भी इसमें डाल दूँगी काट के, और जो यखनी के पानी के अंदर हमने चावल बॉयल करके रखे थे इनको मैंने छलनी में छान लिया था, ये भी बिल्कुल पके हुए हैं, कोई इसमें कनी नहीं है। इसको मैं ऊपर से सेट कर लूँगी
हमेशा याद रखें, जब भी आप बिरयानी दम पर लगाएं या कोई भी राइस, तो नीचे तवा रखें जिसमें आप पराठे बनाते हैं सीधा वाला, फिर उसके ऊपर देगची रखें, तो कभी भी आपके चावल तला नहीं लगेगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून जितना जर्दे का रंग, इसको दम पे लगाएंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए हैं, दम हमारा बिल्कुल बिरयानी का बनके तैयार हो गई है। बोर्ची स्टाइल भी बिरयानी बहुत खट्टी और मज़ेदार बनती है, इसमें कोई मसाला तो बहुत होता है मगर साफ़ सुथरी होती है। ज़रूर खा के आप लोग ट्राई करना ये रेसिपी बना के, मज़ेदार सी बोर्ची स्टाइल भी बिरयानी बनके तैयार है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको रेसिपी ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर लौट कर आऊँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।